हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। जिंदगी सिर्फ वही मुकम्मल होती है या वही लोग सफल होते हैं जो धूप छांव दोनों का मजा ले लेते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मंथन में मेरे वही मेहमान मेरे साथ जुड़ते हैं जिन्होंने ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत अच्छे से लिया होता है, इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो हमें अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे मशवरे देते हैं जिसे हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मंथन में आज मेरे मेहमान मेरे फेवरेट हैं, जिनका नाम है करण ओबेरॉय जी, जिन्हें आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, स्वाभिमान, साया, जस्सी जैसी कोई नहीं, और फिर एक इनसाइड एज करके एक सीरीज थी, आपने उसमें भी ज़रूर उनको देखा होगा। बहुत सारे सीरियल्स में वो आए हैं और काफ़ी अच्छा काम करते थे, चॉकलेटी से थे और उनके एडमायरर्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनका जो लुक था ना बहुत डिफरेंट था। अच्छा, उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडी पॉप एक बॉयज बैंड बनाया जिसका नाम था बैंड ऑफ बॉयज। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए लोगों के बीच में, उनका जो बैंड था वो बहुत पॉपुलर था, मतलब वो एक तरह से ना यूथ आइकन रहे ही नहीं, मुझे लगता है कि आज भी वो आइकन हैं और लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं उनकी उस जो उनका जो एक सादगी है ना, उस सादगी की वजह से। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से बैटलफील्ड ब्रदर्स जो है बहुत चर्चा में रही है। अभी हाल फिलहाल में एक सीरीज़ जो कि Z5 पर रिलीज़ होने वाली है 11 नवंबर को, जिसका नाम है मुखबिर, उसमें सिर्फ वो एक्ट ही नहीं कर रहे बल्कि वो उसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने सिर्फ एक जगह अपना हाथ नहीं आजमाया, यानी सिर्फ एक्टर बन के नहीं रहे, उन्होंने एक्टिंग की है, उसके बाद सिंगिंग की है, बैंड्स जो बैंड था वो बनाया है, उन्होंने प्रोड्यूसर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो जो बहुत कुछ करता है ना उससे बात करने में बहुत मजा आता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो और आप जानना चाहते हो करण जी के बारे में तो प्लीज आप उनसे जरूर सवाल पूछिएगा। यहां मैं भेजती हूं उनको एक रिक्वेस्ट। नमस्ते, वेलकम। हाय विता, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मजे में। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। और आपने जो तारीखों को पुल बांधे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको शायद पता नहीं है जी, आपके ना जैसे सैकड़ों दीवाने होते हैं ना, उन सैकड़ों में एक नन्ही सी दीवानी मैं भी हुआ करती थी। स्वीट। और मुझे बहुत अच्छे लगते थे आप स्क्रीन पर, बहुत आपको पसंद करती थी मैं, मुझे लगता था कि आप और देखें हमें। पर मुझे बहुत दुख लगा जब कुछ समय बाद मैंने देखा कि आपने बिल्कुल ही सीरियल्स में आना कम कर दिया और मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों। नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लगता था योगदा जी, बिकॉज क्या है कि मैं कुछ थोड़ा विचित्र काइंड का प्राणी हूँ। जब मैं टेलीविजन जब मैं करता था तो मुझे बड़ा गर्व था इस बात से कि बहुत अच्छा टेलीविजन हुआ करता था, कहानियां बड़ी अच्छी होती थी, एक्टर बड़े अच्छे हुआ करते थे, डायरेक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे, राइटिंग बहुत अच्छी हुआ थी, उदा किस्म की हुआ करती थी, और मैं कोई भी चीज बेमन से नहीं कर सकता हूँ। जैसे एक ऐसा शो था जो मुझे पसंद था इसलिए मैंने वो किया। उसके बाद जब टीवी का स्तर गिरता गया, जहाँ इतना नीचे गिर गया कि अब जो है वो देखना अझेल हो गया, तो फिर मेरे लिए उसका पार्ट बनना पॉसिबल नहीं था। तभी मैंने और लिखता मैं पहले भी था, कोई नई बात नहीं है, काफी टाइम से लिख रहा था मैं, और फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जो मैं 100% देखकर ना कर पाऊँ। सो इसलिए मैंने उधर से थोड़ा आई टुक अ सबैटिकल फ्रॉम नॉट फ्रॉम एक्टिंग बट फ्रॉम डूइंग टेलीविजन। और वो आज भी मुझे मतलब मुझे वो यू नो आई फाइंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट आई सी ऑन टेलीविजन। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ऑडियंसिस को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तभी जब वो वेब सीरीज का जब दौर आया तो मुझे लगा एक मौका है जहाँ पर हम कुछ अच्छी कहानियां बता सकते हैं और थोड़ा डिटेल में काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्तर पे कुछ शोज बना सकते हैं। तो ये जो आपने मेंशन किया जो मुखबिर है, मुखबिर में आई एम अ स्टोरी स्क्रिप्ट पे राइटर अलोंग विद अदर्स, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम है। मैं इसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ, आई पुट द शो टुगेदर, दैट्स व्हाट मेरी प्रतिभा सबसे बड़ी रही है उसमें, मतलब मेरी सो मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रही है टू पुट द शो टुगेदर, दैट्स व्हाट माय जॉब इज, बिगर जॉब हैज बीन द बिगर चैलेंज। तो आपको सबसे पहले शुभकामनाएं कि आप एक इतना अच्छा शो लेकर के आ रहे हैं कि आपको फिर से हमें देखने का मौका मिलेगा, मतलब ये मेरे लिए एक ट्रीट है और मेरे जैसे बहुत सारे जो आपके फैंस हैं
उनके लिए ट्रीट होने वाला है कि अपने फेवरेट एक्टर को वापस स्क्रीन पर देखेंगे। जी जी तो आपका मैंने ट्रेलर भी देखा था, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने ट्रेलर बनाया, तो अब ना बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। तो क्या थोड़ी सी आप मुखबिरी कर पाए अपने शो नहीं के बिल्कुल बारे में? जरूर, उतनी उतनी मुखबिरी तो जरूर करूंगा जिसकी वजह से आप वो शो जरूर देखें, क्योंकि वो कल लॉन्च होने वाला है रात को 12 बजे, तो 11-11 तारीख को आपको मुखबिर देखने को मिलेगा। ये एक 1960s की कहानी है। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान की आज की जो हालत देखते हैं कि वी आर वन ऑफ द टॉप थर्ड और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एक एक हाथी है एक दुनिया की कि में देखा जाए। ये ऐसी सिचुएशन 60s में नहीं थी। 60s में हम एक पिछड़ा हुआ देश माना जाते थे, एक ऐसा हाथी था जो अभी नींद से उठा नहीं था, 17-18 साल हुए थे आजादी को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये माना जाता था कि ये एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर होने वाली है आने वाले वक्त में, तो उनको एक तरह से चाइना सपोर्ट करता था, दूसरी तरफ से यूएस उनको सपोर्ट करता था। 62 की जंग के बाद हमारी पीठ टूट गई थी, बिकॉज हम हारे थे वो जंग। तो ये वो दौरान है, 62 और 65 के बीच का पीरियड है, जब 65 की जंग हुई थी उसके बीच में जो ये एक एक बात हुई थी। हमने एक बहुत ही अनयूजुअल डिसीजन लिया था, एक एक चालसाजी को, एक चालबाज को, कॉन मैन को बतौर स्पाई पाकिस्तान में भेजने के लिए। और जो रियल इंसिडेंट हुए थे उसके अगेंस्ट इसकी एक फिक्शनल स्टोरी है, जहां पर एक स्पाई जाता है, स्पाई बन के एक आदमी जाता है जो कॉन मैन है, जो एक बेसिकली पॉकेट मार आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, उड़ता हुआ आदमी है। और वो पाकिस्तान में जाकर किस तरह से हमारे को कैसी इंफॉर्मेशन लाता है, जिसकी वजह से या तो हम जंग जीतते या नहीं जीतते, ये कहानी का एक बैकड्रॉप है। वाह, चलिए तो आपने मुखबिरी तो कर दी है थोड़ी सी। जी, थोड़ा बहुत आपको बताया है कहानी के बारे में। कहानी के लेकिन पहलू बहुत हैं, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि हम हिंदुस्तान कैसा था 60s में, तो ये आपकी दुनिया है। आप इस सीरीज के थ्रू उस दुनिया में घुस सकते हैं और आपको एक एक बिल्कुल नया इंडिया देखने को मिलेगा, पुराना इंडिया जो आपकी आंखों से आज नया दिखेगा कि ऐसा इंडिया हुआ करता था, जहां पर एक बड़ी एजेंसी में लाइट चली जाए या कुछ खाने पीने के, मतलब आप जानते हैं शास्त्री वध के बारे में, अगर आपने सुना नहीं है, तो ऐसा एक टाइम आया था हिंदुस्तान की जिंदगी में, कि लाइफ ऑफ द नेशन में, जहां पर हमारे पास अनाज पूरा नहीं था कि हम हिंदुस्तानियों का पेट भर सके। तो हाँ, तो शास्त्री फास्टिंग जी, करते हमारे थे जो वो। प्राइम मिनिस्टर थे, जो वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव हैड इन अ कंट्री, उन्होंने ये एक एक रिक्वेस्ट किया था इंडियन लोगों को कि यार आप दिन एक दिन का खाना ना खाएं तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों का पेट भरेगा। इस सिचुएशन से अगर हम 2022 में देखते हैं, जहां पर हम ऑलमोस्ट दुनिया को जीत रहे हैं और दुनिया हमारी बात सुनती है और हमारे सामने ढोंग घुटने टेकती है, तो ये जो जर्नी है हमारी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो 65 की जंग के बाद हमने 71 की जंग लड़ी थी, और उसके बाद हम दुनिया को जबस पछाड़ते ही आए हैं, जवाब दे पाए थे। तो उनकी जो शुरुआत है ये वहां की कहानी है। और देखने में आपको एक एक नई दुनिया में घुसने का मौका मिलेगा। और हमने शो को थोड़ा एंटरटेनिंग शो है, बिकॉज जब आप एक आपको जो मेन किरदार होता है, जो स्पाई होता है, यूजली आपका देखते हैं मिशन बेस्ड कहानी होती है, एक रैम्बो टाइप आदमी होता है, वो दूसरे लोगों को मारता है और बंदूकें गिरती है, जैसे पबजी का एक 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 वीडियो हाँ गेम जी, होता हाँ है। जी, ये उस हाँ तरह की जी, कहानी नहीं है, ये एक ह्यूमन स्टोरी है। और मजा इसी बात का है कि एक रिलेटेबल ह्यूमन की कहानी है, जो वल्नरेबल है, जो हार भी सकता है, जीत भी सकता है, पता नहीं आपको किस तरफ जाएगा, ये अनप्रिडिक्टेबल कहानी है। मजेदार रहेगा, बिल्कुल मजेदार जी रहेगा। और मुझे पता है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी इसको देखने की। मैं तो जरूर देखूंगी, जी जी मैंने जी बताया जी नहीं और मैं क्योंकि आप देखिए आप हैं, जरूर, इसलिए क्योंकि बिकॉज आप जी हैं। नहीं, थैंक यू सो मच अंकिता। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हम और अभी एक बॉलीवुड कहते हैं कि थोड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड बुरे दौर से गुजर रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। क्योंकि हमने ना अपनी ऑडियंसिस को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था पिछले 15-20 साल में, हम कुछ भी अजब गजब कहानियां डाले जा रहे थे ये बोल के कि अगर स्टार है तो लोग आएंगे देखेंगे। तो जितनी मेहनत और जो है हमको एक 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 राइटर को देनी चाहिए, या जितना पैसा हमें उसे देना चाहिए, जितनी अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए, नए यंग टैलेंट को देनी चाहिए, वो थी नहीं। ये था कि बस एक इस स्टार को ले लो, इस एक्ट्रेस को ले लो, इसको ले लो, ये एक प्रपोजल बना लो, कहानी का क्या है, बन जाएगी शूटिंग पे। बन जाएगी। वो जो चीज है भी छूट रही है। और जब ऑडियंस रूथलेस हो जाती है, बोलते कि भैया हम जिस प्लेटफॉर्म पे हो वहां पर मेरे को एक इंटरनेशनल कोरियन शो दिख रहा है, एक इंटरनेशनल टर्की शो दिख रहा है, एक बड़ा अमेरिकन शो दिख रहा है, यूके का शो दिख रहा है, उसके साथ आप कंपीट करेंगे तो आप मुझे उतनी क्वालिटी दीजिए, वरना मैं आपको पेट्रनाइज नहीं करूंगा। तो उसमें जब आप घुसते हैं तो क्या होता है, अच्छी कहानियां बनती हैं, लोग पैशन से काम करते हैं। तो इस कहानी को बनाने में 3 साल लगे, और हमें कोई इस बात का वो नहीं है कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं थे, हम चाहते थे कि कहानी अच्छी हो, कास्टिंग अच्छी हो, सब कुछ बिल्कुल सही तरह से पढ़े। तो और बहुत ऑनेस्टी के साथ बनाई है, कभी ये सोचा चीट करने की कोशिश नहीं की, क्या इस एक्टर को ले लेंगे तो ऑडियंस आ जाएगी, इसका इंस्टा फॉलोइंग इतनी है, ऐसा कुछ नहीं सोचा हमने। जो कैरेक्टर लिखा गया था उसको उसी तरह से कास्ट किया है। तभी आदिल हुसैन, प्रकाश राज, हर्ष छाया, बरखा बिष्ट, दिलीप शंकर, अतुल अतुल कुमार, सारे एनएसडी के एक्टर्स, ये सब जो एक्टर जब
अग्री करते हैं किसी पार्ट प्रोजेक्ट का बनने के लिए, तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी राइटिंग. बिकॉज सभी एक्टर इसलिए कन्विंस हुए कि उनको लगा कि लिखाई अच्छी हुई होगी इस शो लिखा है तो आपके जो ये सारे स्टार्स थे आपके साथ, इनके जी. साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक कुछ एक तो आपके साथ के हैं, कुछ एक बिल्कुल फ्रेश, मुझे लग रहा है कि वो कुछ फ्रेशर्स भी हैं। तो जी आप लोग कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा बेटा मैं सुपीरियर हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, मेरी सारी बात मानी जानी चाहिए, लिखा भी मैंने है, ठीक है, नहीं प्रोड्यूस नहीं भी ऐसा मैं नहीं कर रहा होता है. नो हूँ? योग्यता. मुझे ऐसा लगता है कि यू नो किसी भी तरह का भ्रम या किसी भी तरह की एरोगेंस या तो मेकर में हो या एक्टर में हो या स्टार में हो या सिंगर में हो, उसे कम कर देता है, उसका ओहदा भी कम कर देता है और उसके टैलेंट को भी दूर, मतलब इट स्टार्ट्स टू इरेड द टाइम, इरोड इरोड द टैलेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज अभी इंडियन क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बोले भैया मैं विकेट कीपिंग अच्छी करूंगा लेकिन बॉलर अच्छी काम नहीं करेगा, तो हम जीतेंगे नहीं. इट्स अ टीम एफर्ट. हाँ, सब इट्स अ लोग अपनी टीम शिद्दत एफर्ट। से मेहनत से, हमारा काम एज प्रोड्यूसर्स और एज पीपल हु मेक अ शो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम जिस पैशन से हम किसी स्टोरी को लिखते हैं उसी पैशन के लोग आप प्रोजेक्ट में साथ जोड़ें. तो भले वो एक्टर हो, भले आपका डीओपी हो, भले आपका प्रोडक्शन डिजाइनर हो, वो सारे के सारे आपके वो एक कलेक्टिव विजन में अगर विश्वास करेंगे तो शो बेहतर बनेगा ही. अब यकीन मानिए हमारे लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई एक्टर्स को लेकर, बिकॉज एक्टर्स इतने कन्विंस थे कि आपको अपनी, और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था. ऐसा नहीं था कि अगर कोई बात हमें लगती है एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन था चीज़ों को लेकर. और सबसे बड़ा जो हमारा हमारी विक्ट्री थी कि हमारे पास शिवम नायर थे जो सक्सेस देख चुके हैं इससे पहले स्पेशल ऑफ 1.5 के साथ, लेकिन ये उनका बेबी है. मतलब ये उन्होंने इस शो को पैदा किया है और जिस क्लैरिटी और जिस पैशन के साथ उन्होंने शो को बनाया है और लोगों को जोड़ा है, आई थिंक वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है. एक्टर्स के साथ हमें कभी दिक्कत नहीं हुई, सब अपनी ये गेम लेकर आए हैं, सारे के सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियंस. आप जब हमेशा एक्ट करते रहे शुरुआत में, है ना, तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रही होंगी मुखबिर के समय में, तो आपको ऐसा कभी लगा कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा हाथ पैर फैला लिए, मुझे ना किसी एक चीज को चूज करना चाहिए था, मेरे पर ओवरबर्डन हो रहा हूँ, या आपने सच में हर रोल को इस वाले मुखबिर में एंजॉय किया एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब कुछ एक साथ एंजॉय किया? वॉज इट नहीं ईजी मेरे फॉर लिए यू? देखिए, मैं थोड़ा रेस्टलेस किस्म का आदमी हूँ. अब यकीन मानिए जब मैं शूटिंग कर रहा था सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, तब भी मैं सुबह 4 बजे उठकर रियाज कर रहा था, क्योंकि मैं जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसको मैं छोड़ सकूँ, भले वो सिंगिंग हो भले वो कुछ भी हो. तो हर चीज को पैशन के साथ करता हूँ. मेरी एक मैंने एक मैं यानी कोट हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि विदाउट पैशन आई माइट एज वेल बी ए ट्री. तो वॉट मेक्स मी हु आई एम इज माई पैशन एंड द सिंसियरिटी विद विच आई कैन डू एनीथिंग. सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा एक तो जल्दी उठना पड़ता है और बहुत ही डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर आपको काम करना पड़ता है, फिर आपके पास 24 घंटे काफी हैं काम करने के लिए. तो ऐसा नहीं था. ये है कि एक स्ट्रेस रहता है थोड़ा सा, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सबसे बड़ा शो है इस साल का ये, तो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यार मैं कहीं पर 19 ना हो जाऊं, कुछ कम ना पड़ जाए. तो उसमें क्या होता है, जब आपके बड़ी बड़ी प्यारी टीम होती है जो आप पे विश्वास रखती है और वो आपकी पॉजिटिव स्पिरिट को लेकर बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो बोलते हैं ना वो हुजूम बन जाता है अपने आप. तो वो एक फायदा होता है ऐसे काम करने में. ये 8 एपिसोड्स में है क्या, जी 8 एपिसोड की कहानी है सीजन 1 की सीजन और वन? बाकी सीजन्स भी होंगे इसके. जी थैंक ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। यू सो मच. मैं मैंने मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप आपके पापा जो है वो डिफेंस में थे, है ना, जी तो एक डिफेंस के बच्चे को जब फिल्मों, सीरियल्स, इन सब में, जब जिस दौर में आप आए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, तो पेरेंट्स को लगता था ओए तुझसे कितने चले हो, ऐ तो कोई काम ही नहीं आएगा है हाँ जी. तुम्हें, मतलब आप चूंकि वो डिफेंस में थे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे, तो उन्होंने तो आपको देखिए अलाउ कैसे किया? इस बात में मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द लकीस्ट ह्यूमन बींग्स ऑन द प्लेनेट. मेरे पापा ने मुझे, मैं एकेडमिकली बहुत बहुत स्ट्रांग था, मेरी मैं एकेडमिक्स में दौरा कमजोर नहीं था, मैं ठीक ठाक था. तो सबको ये उम्मीदें थी फैमिली को कि IPS UPSC या मेडिकल या कहीं उस तरह के प्रोफेशन में जाऊंगा. तो जब मैंने पापा को बोला कि मुझे मुझे ये करना, मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे म्यूजिक म्यूजिक में जाना है, तो उन्होंने बोला यार हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी ना मिले खाने को, तो रहने को घर ना मिले, ये सब ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये सब नहीं मिला तो तुम खुश रहोगे क्या? तो मैंने इससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं होगी कि मैं वो कर सकूं जो मेरा मन करता है. और इसमें उन्होंने मुझे पूरी की पूरी फ्रीडम दी, बोले वो करो जिससे तुम खुश रहो, महल में रहकर तुम परेशान रह सकते हो. और मैं ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बातचीत भी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के सपने टूट जाते हैं बिकॉज उन्हें वो करना पड़ता है जो उन्हें बताया जाता है, या वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं.
तो मैं हमेशा लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि यार जब तुम वो करोगे ना जो दिल से आवाज निकलती है या जो करते जिसे तुम्हारा मन है, तो उसमें भले तुम 500 रुपए कमाओ या 5 करोड़ रुपए कमाओ, तुम खुश हमेशा रहोगे, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, हमेशा खुशी फैलाओगे, पॉजिटिव रहोगे, तो वो बहुत जरूरी है। रहा सवाल, मैं एक फौजी का बेटा हूँ तो उसका सबसे बड़ा फायदा है, मैं फौजी का बेटा नहीं हूँ, मैं एक पूरे फौजी खानदान से हूँ। जैसे बैटलफील्ड ब्रदर, जिसकी आपने किताब बात की इस साल की एक मतलब टॉप बेस्ट सेलर्स में है, वो जी अमेजोन पे आप जाएंगे, आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं उसके बारे में। जी वो जी एक्चुअली मेरे पापा के और उनके 3 भाइयों की कहानी है, 4 फौजियों की कहानी है जिन्होंने 65 और 71 की जंग लड़ी थी, और ये उनकी ट्रू मेमोर है, मतलब जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। तो फौजी का बेटा होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं 6 बजे ये काम कर दूंगा, तो यकीन मानिए 6 का 6 बज के 1 मिनट नहीं होगा। तो कोई भी मैं काम उठाता हूँ, किसी काम का बीड़ा उठाता हूँ, तो उसको मैं एब्सोल्यूट डिसिप्लिन के साथ जब तक खत्म नहीं करूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारी चीजें जो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं डिसिप्लिन की, कमिटमेंट की। एक और बात है जो जैसे कि मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इम्पोलाइट बिहेवियर होता है जब आप स्टार बन जाते हैं तो लोगों को रिस्पॉन्ड ना करें आप, उनके जब उनके प्यार भरे जो मैसेजेस आते हैं आप उस पे, उसके बारे में, उसके बारे में कुछ लिखे ना। मेरे पास कभी कभी मैं ओवरवेलम हो जाता हूँ, जैसे शूटिंग के दौरान मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, बाय द टाइम आई फिनिश शूटिंग ओवर 80-90 डेज दे वर रनिंग इन टू सम 6-7,000 मैसेजेस इन माई इनबॉक्स। आई हैव टेकन केयर वी ये पेन्स जितने मुझे दिखते हैं मेरे उसमें, कि मैं रोज 50 मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि जिसने बड़ी अपनी मेहनत करके या बड़े प्यार से आपको कुछ लिखा है कि यार आई लव यू या आई लाइक यू या आपका म्यूजिक मुझे पसंद है, उसके लिए वो मोमेंट बहुत बड़ा है। आप दिख रहे हो 6,000 मोमेंट, लेकिन उसके लिए वो मोमेंट बहुत बड़ा है और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आप सड़क पे किसी को मिलते तो आपको नमस्ते करते तो वापस करते हैं ना। तो वो बात मतलब बचपन से ही हमारे को मतलब सिखाया गया था, दैट यू हैव टू बी पोलाइट एंड यू हैव टू बी कर्टियस, यू हैव टू बी जेंटलमैन। सो ये सारी चीजें मुझे बहुत कम लोग होते हैं आपकी तरह, लोग होते ही नहीं, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। द वे यू रिस्पॉन्ड, मैं तो कई बार सोचती थी अरे हम तो फोन कहीं छोड़ भी देते हैं कई बार, और आपको लिखो तो ऐसे फटाक से रिस्पॉन्स आता है, वो सो ओवरवेल्म्ड जब आपने कल जवाब इमीडिएटली दिया था, मुझे लगा था ये व्यक्ति है जिससे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। आपकी इट्स माय अपब्रिंगिंग का प्लेजर ही एक ख्याल होगा कि आप इस तरह के इंसान हैं। अच्छा मुझे जी माफ कीजिएगा, सुप्रिया जी जो है, सुप्रिया पारुलकर जी, वो मैसेज कर रही हैं, जी वो कह रही है हाय करण, रिमेम्बर द डेज यू वर शूटिंग फॉर साया, आई असिस्टेड यस संजय सर। यस 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 संजय सर इज वन ऑफ माय अर्लियर मेंटोर्स, मतलब जो भी मैंने सीखा उन्हीं की वजह से सीखा है। शिवम सर एंड संजय सर बोथ माय मेंटोर्स, एंड अरे साया तो ऑफ कोर्स मैं कल, इनफैक्ट संजय सर आ रहे हैं देखने के लिए मैंने क्या किया है अच्छा या बुरा, तो वो आएंगे कल, एक हमारा प्रीमियर है उस पे। आई एम इन टच विद एवरीवन हु हैज टॉट मी एनीथिंग, मतलब किसी भी, कोई भी किसी भी तरह मेरा टीचर रहा है तो हाँ उनसे आई एम कनेक्टेड। यस दोस आर वंडरफुल डे सुप्रिया, मैं उसी के बारे में इनफैक्ट बात कर रहा था अभी योगिता जी से, कि एक समय था जब हम बहुत अच्छी कहानियां बताते थे टेलीविजन पे, उसके बाद ये चुड़ैल डैन एनिमल प्लैनेट टाइप की कुछ चीजें आ गई, नागिन टाइप की, जिन्होंने नागिन जिन्होंने हम मतलब हमने डम डाउन कर दिया हमारी ऑडियंस को, भी मान के चलते कि वो सब बेवकूफ है ऑडियंसेस, जो बड़ी गलत धारणा है। आई थिंक अच्छा काम होता है, अभी स्कैम चला ना, बिकॉज अच्छी तरह से बना था, बड़ी शिद्दत से बना था, मेहनत से बना था, बड़े बड़े शो चले हैं, पता लोग चला है, फैमिली मैन चला है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट दैट हम उस कन्विक्शन के साथ काम करें। बिल्कुल सही। आपने जब बैंड ऑफ बॉयज बनाया था जी तो आपके दिमाग में क्या था कि आप एक्टिंग करियर को छोड़कर आप सिर्फ बैंड में रहेंगे, क्या सोच के बनाया था आपने? क्योंकि मुझे लगता है आपने उसको बीच में रोक दिया और हम और चाहते थे और वो एक्चुअली नो, कहीं खो ये भी गया। एक मिसकंसेप्शन है योगिता जी, हमने ना बैंड को कभी रोका नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई कि एक दौर था उन 90s का, 2000, हम अर्ली 2000 में आए थे, 2002-03 में हम आए थे, एक बड़ा खूबसूरत गोल्डन पीरियड था पॉप म्यूजिक के लिए। तो उस टाइम क्या बिल्कुल था, म्यूजिक कंपनीज बाकायदा बैंड्स को प्रमोट करती थी, सिंगर्स को प्रमोट करती थी, आर्टिस्ट को प्रमोट करती थी, जिसकी वजह से हमारा प्रमोशन हुआ करता था, मतलब एल्बम सीरीज वगैरह अवेलेबल हुआ करती थी। फिर डिजिटल का दौर आया और हमने, ऐसा नहीं कि हम बैंड हमने छोड़ दिया, बैंड नहीं छोड़ा, हम शोज करते रहे, आज भी करते हैं। आज मैं इनफैक्ट सुबह सुबह रिहर्सल कर रहा था 7 बजे से, अच्छा बिकॉज आज अच्छा मुझे, मेरे को जाना है, एडिट पे जाना है, तो सुबह जाने 7 बजे से मैं रिहर्सल्स कर रहा था, 7 से 11 मैंने रिहर्सल करी, और बैंड हमने कभी नहीं तोड़ा या छोड़ा, लेकिन एवेन्यूज कम हो गए।
म्यूजिक कंपनीज इतनी सारी बंद हो गई, अब यूट्यूब पर कल्चर शुरू होकर टेक्नोलॉजी मुझे खास समझ आती नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू. तो मुझे सिर्फ गाना गाना आता है स्टेज पे, या गाना लिखना आता है, या कहानियां लिखना आता है. तो हमने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया फेसबुक सोशल मीडिया ये भला. और सोशल मीडिया में ये भी होता है कि इट्स ए मॉन्स्टर जिसमें आपको हर 5 मिनट के पर मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कितने बजे सो रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये हमसे नहीं होता. तो हाँ उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए और वही है. तो बैंड तो हमने कभी नहीं छोड़ा. बट देखिए जो बड़ी मेरे लिए जो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमने गाना भी रिकॉर्ड किया है कुछ 1 महीना पहले, जो भी इसका वीडियो आ जाएगा अगले कुछ दिनों में. यारी, इट्स अबाउट 20 ईयर्स ऑफ द बैंड फ्रेंडशिप एंड अ बैंड. अच्छा, तो वो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी जर्नी है. 20 साल पहले हम कैसे दिखते थे, हमारे मोमेंट्स क्या थे, वो सब रिकॉर्डिंग हमारे पास रिकॉर्डिंग हुआ करती थी VHS पे. उस सबको कंबाइन करके हमने एक जर्नी को उसमें कैप्चर किया है. और हम भी देख के दंग हो जाते हैं कि 20 साल हो गए और 20 साल तक लोगों ने आज तक हमें याद रखा है बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, हाँ बड़ी बड़ी प्योरिटी के साथ. और वो आजकल का दौर ऐसा है कि एक स्टार आता है, वो कुछ 6 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं कि यार ये किसने हम मुझे दिया हाँ था, ये कोई बिल्कुल तो ठीक कहा था. आपने। हम तो सीरियस वाले स्टार्स को भूल जाते हैं जिन्होंने जी काम किया होता है, फिल्मों वालों को भूल जाते हैं, लेकिन भूल आप जाते लोग हैं. जो थे ना, हम जी आप लोगों को भूले नहीं। आप लोग अगर नहीं दिखते तो हम सोचते हैं अरे वो करेक्ट स्टार थे ना, करेक्ट. कहाँ है वो, है ना, सो इफ आपको यू स्टे इन रिकनेक्ट योर करते माइंड्स हैं। एंड माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल, देन यू आर वेरी ब्लेस्ड. यस सो वी जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड कि यार ये कब कुछ ऐसा हुआ. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग एज अ बैंड, हम लोगों कुछ लोगों के लिए मेरे लकी अली हैं. मैं जब भी लकी अली को देखता हूँ, उनके साथ मेरे शोज किए, बहुत सारे शोज किए हैं. अच्छा लेकिन इट इज अमेजिंग कि हम शो साथ में करते हैं लेकिन मैं उनको फैन की तरह मिलता हूँ. मैं जब भी उनको मिलता हूँ तो अच्छा आई एम लाइक अ फैन. एंड इसे क्या यार तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, बड़ा ऑकवर्ड सा. मैंने नहीं, वो बिकॉज मैं तो फैन ही हूँ ना. बिकॉज जब आप म्यूजिक करते थे तब तो मैं तो स्कूल में था. तो मेरे लिए हाँ तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स बिकॉज आपको कैसेट मैंने लिया था. सो इट्स अमेजिंग. वैसे बहुत सारे बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, हरिहरन हैं, लेसी लुइस हैं, ये सब हमारे, ये तो मेंटोर्स भी रहे हमारे. बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको हम देख के, मैं तो आई हैव स्टार्स इन माय आईज. सोनू निगम है, शान है, यू नो. सो मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम आपके फैन हैं तो आप भी किसी के तो दीवाने होंगे ना। तो ऐसा कोई है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करता है और आपको लगता है कि यार मुझे ना इसकी तरफ बनना चाहिए? इंसानी तौर पे तो बहुत सारे लोग हैं. मुझे ना पता क्या होता है विविता जी, कि हम जब अपने आप को अपना नजरिया खुला रखते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को जो बेस्ट है वो लेने की कोशिश करते हैं. जब हमें सब कुछ पता होता है, हम जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती है हमें, तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ सीखना. लाइक आई थिंक द दलाई लामा सेड ना, कि यू इफ यू स्पीक एंड इफ यू आर फुल ऑफ योर सेल्फ यू कैन नॉट फील एनीथिंग, एनी गुडनेस इन यू, बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ. बट वेन यू कीप द वेसल एम्प्टी यू विल रिसीव अ लॉट. तो उस तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया. फिलहाल तो जैसे मैंने शिवम सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान हैं. इस शूटिंग के दौरान मुझे आदिल हुसैन मिले, जो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही उमदा कलाकार हैं और बहुत ही कमाल के इंसान हैं. सिंगर्स में हरिहरन है, जो बहुत मतलब गॉड लाइक सिंगिंग है उनकी. शंकर शंकर महादेवन है, बहुत अच्छा गाते हैं वो. सोनू निगम है, जो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं. अरिजीत है, जो आई थिंक बहुत ही परिपक्व कलाकार है, अच्छी आवाज है, अच्छा टैलेंट है, सीखे हुए हैं. तो ऐसे हर चीज जिसको, जो जितने गुणी लोग होते हैं उनसे मिलकर तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि कुछ सीखने को मिलेगा. और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए लाइफ में, हाँ मतलब यू नो. सो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं अपनी अच्छाई से, अच्छे आर्टिस्ट होने की वजह से, या यू नो कॉम्बिनेशन होने की वजह से. अच्छा, आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, आज भी आप करते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कभी कुछ बंद नहीं होने वाला है। क्या कुछ ऐसा कोई आपका सपना है जो आपको लगता है कि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, मुझे वहां तक पहुंचना है या वो सपना पूरा करना है? देखिए सपने तो मुझे ऐसा लगता है मैं लेते ही रहता हूँ, बिकॉज रेस्टलेस आदमी हूँ और सोता कम हूँ, काम ज्यादा करता हूँ. तो सपने तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेरा एक एक ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि जाने से पहले कहीं पर भी, या एक पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हमारी सारी तवज्जो इस पर रहती थी कि यार हम कितने अंक मैथ्स में लाए, कितने बायोलॉजी में लाए. हमने कभी ऐसी एजुकेशन नहीं सीखी जहां पर हमें बोला गया था कि यार तुम एक पेंटर बनो, एक म्यूजिशियन बनो या सिंगर बनो. उस पे ना वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दायरे में आता था, जो अभी बदल रहा है, थोड़ा वक्त बदल रहा है. लेकिन मुझे गुरुकुल करना है, एक बनाना है, जहां पर मैं एजुकेशन ऑफ म्यूजिक, मतलब गुरुकुल मतलब कि एक ऐसी जगह हो जहां पर बहुत सारे लोग आए जो जिनके पास पैसे नहीं है या रहने की जगह नहीं है, वो वहां पर संगीत की तालीम ले और उसके हम पैसे ना लें. वाह, जी तो जरूर बोल रहा होगा। ये मैंने कोशिश भी की थी बीच में, लेकिन आई थिंक मेरा अभी उसका वक्त आया नहीं उस चीज के लिए. मैं कुछ लोगों से मिला था, कुछ इन्वेस्टर से मिला था कि भाई ऐसा है. जैसे खेल
किट एंड किस करके एक यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पर ट्राइबल चिल्ड्रन जो होते हैं जिनके पास जो थोड़े पॉवर्टी स्ट्रिकन बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पर उनको बचपन में ही स्कूल में लाया जाता है. उनके लिए हॉस्टल है, उनका खाना फ्री है, कपड़े फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, एजुकेशन फ्री है, स्कॉलरशिप फ्री है, और उसके बाद उनको जॉब प्लेसमेंट भी कॉलेज करके देता है. तो ये मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा था. तो मेरे डॉक्टर समंता हैं जो उसके डीन है, उनसे मैंने बात की चीज़ के बारे में. वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन वो मुझे तो करना है, ये मुझे पता है कि संगीत की तालीम अगर आप एज फ्री में लोगों को देंगे, तो इंसान जब संगीत सीखता है या किसी भी तरह की कला सीखता है तो उसमें ना एरोगेंस नहीं आनी चाहिए. बिकॉज इतना बड़ा महासागर जिसमें लगता है कि आप डूब के मतलब सारी जिंदगी सीखते रहेंगे और आप पूरा नहीं सीख पाएंगे, तो वो तालीम जब देंगे तो आदमी विनम्र बनता है, ये मुझे ऐसा लगता है. मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे मिली हूँ और आप जैसे कुछ ऐसे चुनिंदा हीरो से मिली हूँ, तो मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनके जिनके अंदर एरोगेंस इतनी है कि उनसे बात करने से पहले कई बार जुबान को टेस्ट करना पड़ता है मुझे, कि मैं मेरे जुबान से निकला हुआ कोई शब्द कुछ ऐसा गलत ना निकले कि सामने वाले को जो है उनके ईगो को टच कर जाए। तो सच्चाई तो यह है कि दोनों तरह के लोग जो कि कलाकार होते जी हैं जी मिल जी जाते हैं उसमें, नहीं दोनों नहीं तरह मिलते के बहुत, मुझे लोग। भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि यार उनको ये बोलता हूँ कि किसे पता जिंदगी कब कहाँ कैसे गुजर जाए, वो बात कर जो दिल में उतर जाए. आह जबरदस्त, यूं ही फैन नहीं हूं मैं आपकी, यूं ही फैन नहीं हूं मैं आपकी। अच्छा करण सर, मुझे आपसे ये भी पता करना था कि आपने अपने सपने तो मुझे बता दिए है ना, आपने अपनी जो जिंदगी का ये सफर गुजारा है, जब आप अपने पुराने वाले करण को देखते हैं मुड़ करके, तो उस करण से इस करण तक की जर्नी जो है, अगर चंद शब्दों में आपको बतानी हो तो कैसी कैसी रही, क्या क्या नया इस करण में पाया है जो पुराने करण में नहीं था? देखिए, हाँ, जब मैं पहली बार बम्बई आया था तो मुझे किसी बहुत ही बड़े डायरेक्टर ने मुझे मुझे मिले थे, तो बोले यार तुम में बहुत ज़्यादा प्रॉमिस है, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक भोला सा बच्चा है ना, और तुम्हारे चेहरे पे दिखता है वो. तो जिस इंडस्ट्री में तुम जाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस बच्चे का गला घोटा जाएगा. तो मैं तो डर गया था, बोला सर आप क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो बोले हाँ ऐसा होगा, कोशिश की जाएगी, लेकिन जब तक तुम उस बच्चे को जिंदा रख पाओगे, एक मासूमियत को जिंदा रख पाओगे, तुम अच्छे कलाकार रहोगे. तो बात मुझे कभी भूली नहीं लाइफ में कि यार हम ना गणित में ज्यादा असर घुस जाते हैं, ट्रांजेक्शन में घुस जाते हैं कि इसका फायदा मेरा फायदा, इसका ये इसका वो. तो बहुत सारे तजुर्बे लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको बहुत जल्दी बढ़ा कर देते हैं. तो कोशिश तो यही, अभी अगर मैं अपने बचपन वाले करण को देखूं तो उसको यही बोलूंगा कि थोड़ी देर और बचपना खींच लेते हैं, इतना जल्दी बड़े होने की जरूरत नहीं है ना. जैसे एक निदा फाजली की पोइट्री है, बड़ी कमाल की पोइट्री है, आई लव ग्रेट पोइट्री. तो उसमें यह है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के वो भी हम जैसे हो जाएंगे. हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, चूंकि चीजें बहुत बदली हैं लाइफ में, आपने भी बहुत सारे झटके सही हैं है ना, बहुत जी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में आएंगी। जी तो जब ऐसा अंधकार आपके जीवन में आया, जी और वो कई बार आता रहता है, हम सबकी लाइफ में आता है, जी जी तो उस वक्त बाहर निकलने के लिए खुद को कैसे समझाते हैं, क्या संबल देते हैं अपने आप को? देखिए, ये जैसे आपने कहा कि जिंदगी में, प्रकृति में, लाइफ में हर तरह के लोग हैं. दैट्स व्हाई लाइफ इज सो कलरफुल. हर तरह के लोग हैं, सफेद हैं, काले हैं, ग्रे हैं, बहुत सारे लोग हैं. तो हम उस चीज को एम्पावर करते हैं जिस थॉट को, जिसको हम, वो थॉट एम्पावर्ड हो जाता है जिसके बारे में, जिसको हम तवज्जो देते हैं. तो जैसे मेरे साथ कुछ बहुत गलत हुआ, एक इंसान ने बहुत गलत किया, लेकिन उसकी देखा देखी 500 दूसरे लोग खड़े हो गए जो मेरे साथ सपोर्ट में खड़े होकर बोले कि नहीं यार ये इंसान अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है. तो अब मैं, मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर है कि मैं सिचुएशन में किस तरह फोकस करूँ. इधर फोकस करूंगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इस इंसान ने बहुत गलत किया, और आप उसको मतलब कोसते रहेंगे सारी जिंदगी. फॉरगिवनेस इज ब्यूटिफुल. तो आप बोलते हैं कि ठीक है, आप अगर किसी का गलत करें तो मतलब आप प्रॉब्लम में हैं. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो आदमी एरोगेंट होता है ना, उसको 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 समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज समझने की जरूरत है कि एरोगेंट आदमी कब होता है, जब वो अंदर से अपने आप को खाली महसूस करता है. इट्स कॉल्ड क्लासिक ओवर कॉम्पनसेशन. आपकी एरोगेंस कब आएगी, जब आपको लगता है कि यार मुझको मेरी वैलिडेशन चाहिए, कोई मुझे वैलिडेट करे कि मैं अच्छा टैलेंट हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा ये हूँ, मैं अच्छा वो हूँ. तो उनके लिए आप, मेरे लिए तो, मैं सिंपथाइज विद देम कि यार बेचारे अंदर से थोड़े
थोड़े अपने आप को कम महसूस करते हैं तभी अरविंद है। तो इसी तरह जो कालकपन है लोगों के अंदर आती है वो भी ऐसे ही होती है, वो अंदर से कुछ, जैसे कुछ कमी अगेन आई है। थिंक द दलाई लामा ओनली सेड, हाउ डू यू डिफाइन अ टेररिस्ट, इज नथिंग बट ए विक्टिम ऑफ टेरर। ओ तो अगर आप इसके बारे में सोचें तो उसमें जिंदगी का हाँ बहुत बड़ा फलसफा है, जो यस परेशान यस, है वो परेशानी वही सबको परेशान देता है। परेशान लव करेगा। पीपल लव पीपल एंड हर्ट पीपल हर्ट पीपल, फैक्चुअली बात ये है। तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ब्लेस्ड था बिकॉज आई मैं एक बहुत ही प्यार वाले एटमोसफेयर में पैदा हुआ, सो आई वॉज अ लव्ड पर्सन, सो द ओनली थिंग आई नो इज टू लव पीपल, दैट्स द यू नो। ब्यूटिफुल जी ब्यूटिफुल। अच्छा, ऐसे इंसान को तो कोई रिग्रेट हो ही नहीं सकता, पर फिर भी क्या कोई रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ में किसी चीज का? हाँ, कुछ कुछ रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में जहाँ पर आपको लगता है कि यार मतलब जैसे कई बार आप डिपेंडेंस जो होती है लोगों के ऊपर कि यार बिकॉज हमारी आदत होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमको मिरर करें, तो वी वांट पीपल टू मिरर अस, सो आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस या वो होती हैं, वही होती हैं जो आप अपने आप से रखते हैं कि अगर मैंने आपको कहा है उस कि मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं आपकी मदद करूंगा, या आपको मैं आपके साथ मैं ये करूंगा, तो वो चीजें आपको बहुत वक्त के बाद सीखने को मिलती है कि सब आपके जैसे नहीं होते हैं। तो वो एक आपको कई बार एक रिग्रेट तो नहीं बोल सकते बट एक थॉट प्रोवोकिंग एक एक आइडिया होता है जो आपको आपको कन्विंस करता है कि यार कई बार यू नो, सो दैट्स द ओनली थिंग। अदर देन दैट ठीक है यार, लाइफ है, खूबसूरत है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। सच बात है, सच बात है। मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, मुझे पता है आपका टाइम हो गया और मैंने आपका जी, टाइम बहुत लंबा छीन लिया, सॉरी। हाँ, नो नो प्रॉब्लम, नो, इट्स ग्रेट फन। मैं जी ये जानना चाह रही थी आपसे कि आपने अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे लेसन सीखे होंगे, हर पड़ाव पर हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं जब किसी ऐसे सेलिब्रिटी से मिलती हूँ ना जिनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत सीखा होता है, तो मुझे लगता है कि इनसे अब मुझे सीखना है कुछ। मैं लालची प्रवृत्ति की हूँ, तो जी। आपकी लर्निंग से अगर मैं और मेरी तरह बहुत सारे जो आपके फैंस हैं अगर कुछ सीखना चाहें, तो अपनी जिंदगी से क्या टीचिंग्स आप मुझे आज दान स्वरूप देने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हूँ। जो मुझे सीखना, जो मैं जैसे मैं आपसे सीखता, आप मुझसे सीखना चाहती हैं, मैं इसे दुनिया से सीखता हूँ, तो दो तीन चीजें ही हैं जो खास बड़ी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम उसमें मतलब, एक तो है कि सिंप्लिसिटी इज मैजिक, मुझे ऐसा लगता है कि सादगी में बड़ी खूबसूरती है बहुत ज्यादा। दूसरी मुझे लगता है द काइंडनेस इज द मोस्ट अंडर रेटेड सुपर पावर इन द वर्ल्ड। आप जब काइंड होते हैं ना तो यू 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 क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ काइंडनेस, और ये यस कहने कि मैं अकेला क्या फर्क पैदा करूंगा इज नॉट राइट बिकॉज आई एक्चुअली यू कैन मेक अ डिफरेंस। और जितने भी आप किसी भी इंसान की कहानी पढ़ेंगे जिसने कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो आप फाइंड करेंगे ना कहीं मटेरियल चीजों के पीछे भागना से ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा इनवर्स रहकर ये बात का अपनी खुशी का स्रोत ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोर्स ढूंढने की कि दिस इज वेयर, दिस इज व्हाट गिव्स मी मैक्सिमम हैप्पीनेस। सो इट्स जस्ट दैट आई जस्ट कीप इट सिंपल एंड बी नाइस, बी कर्टियस, बी पोलाइट, दैट्स ऑल आई कैन से। ये तो सच में बहुत प्यारी वाली सीख है आपकी, थैंक यू सो मच। और जी अपने फैंस को आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिएगा, स्पेशली मुखबिर को लेके जरूर कहिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुखबिर हम सब लोग मिल करके देखें आपका फर्स्ट शो। देखिए, मैं जो मुखबिर के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज बहुत ऑनेस्टी के साथ की जाती है, पैशन के साथ की जाती है, और नॉट टेकिंग एन ऑडियंस फॉर ग्रांटेड, उसमें जब मेहनत करते हैं आप, तो वो भले मुखबिर हो या किताब हो, बैटलफील्ड ब्रदर्स हो या म्यूजिक हो या मेरी नींद हो या गोरी हो, उसका रंग आपको जरूर मिलता है। और वो जो कहते हैं ना कि फल की चिंता मत कर, फल की चिंता आप तभी नहीं करते जब आपको पता है कि आपने कुछ भी चीज में मक्कारी नहीं की है, डिसऑनेस्टी नहीं की है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड आई कैन टेल यू, बिकॉज द ऑनेस्टी ऑफ 150 पीपल दैट हैव डिफाइंड अ विजन एंड टेकन अ कोर्स ऑफ सेइंग वी विल नॉट टेक आवर ऑडियंस फॉर ग्रांटेड इज फेरी एविडेंट इन द शो। ब्यूटिफुल। आपसे मैंने एक बात अभी अभी सीखी कि बिना मक्कारी के अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बात आपने इतनी सादगी से कह दी, मतलब दिस इज गोइंग टू रिमेन विद मी फॉर एवर। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सी बात के लिए। पता है, मैंने सोचा था ना कि जब मैं आपका इंटरव्यू लूंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्लीज अपना गाना सुनाइए, क्योंकि मैं आपकी इतनी फैन रही हूँ, तो नहीं, गाना बिल्कुल सुनना बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगी बिल्कुल, गाना बनाए पक्का? गाए बगैर कैसे जा सकते हैं। सही कहा, एक सेकंड, मुझे यस देखिए, मैं गिटार ले आता हूँ जरा, एक यस सेकंड। यस, आई वुड लव टू। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और अभी देखो हम बहुत मस्त गाना सुनने वाले हैं। यस, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, अब आ गई। मैं कह रहा हूँ मुखबिर में भी गाने हैं, बहुत खूबसूरत गाने, हाँ 6 गाने हैं।
जी 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 मैंने जी एक जी इट्स अ डाला वेरी था पोस्ट ब्यूटीफुल एल्बम. पर जी 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 मुस्कान पूरे कान तक पहुंचने वाली थी, बस मुंह मेरा छोटा था, मैं ढंग से मुस्कुरा नहीं पा रही हूँ. बट आई एम सो ग्लैड, मेरी तरफ से इतने सारे शुभकामनाएं आपको, बहुत थैंक यू सारी सो मच. शुभकामनाएं. और जी आपकी जर्नी में, आपके साथ रहने में बहुत मजा आया. और जब मैं थैंक सोच यू. रही थी कि मेरा फेवरेट स्टार कहाँ है, तो आज मुझे मेरे फेवरेट स्टार मिल गए. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब मैं आपको Z5 पर देख पाऊंगी और ज्यादा, और मैं थैंक यू सो मच. गाऊंगा आपकी. थैंक यू सो मच योगी. दैट्स वेरी इट वाज प्लेजर. इट वाज इंडीड अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. ओ थैंक यू. गॉड थैंक यू ब्लेस. सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय सर. बाय.